बांदा पुलिस को आज उस समय एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अंतर्राज्यीय असलाहा तस्कर गिरोह के 8 सदस्यों को करीब 2 दर्जन अवैध असलाहों सहित दबोच लिया। इसके अलावा अभियुक्त के पास से पुलिस ने जिंदा कारतूस, मैगजीन और असलाहा निर्माण की सामग्री भी बरामद की है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों और अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम व कोतवाली पुलिस के टीम ने शहर के एक सुने घर में छापेमारी की है, जहां से 8 लोग अवैध असलाहे बनाते हुए पकड़े गए हैं। इनके पास से एक पिस्तौल और 18 देसी तमंचों सहित 2 दर्जन अवैध असलाहे बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में कारतूस व असलाहा बनाने का सामान भी बरामद किया है। पकड़े गए तस्कर डिमांड के आधार पर प्रदेश में और यूपी से लगे हुए दूसरे प्रदेशों से भी असलाहों की सप्लाई करते थे। 5,000 से लेकर 25,000 तक की कीमत का देसी असलाहा इन लोगों के द्वारा बनाया जाता था। पकड़े गए सभी अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। बांदा से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय के परीक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर एक अभियान के दृष्टिगत हमारी एसओजी टीम और थाना कोतवाली नगर की टीम द्वारा एक अवैध असलाह की तस्करी करने वाले गिरोह तथा उनसे एक अर्ध निर्मित फैक्ट्री बरामद की गई है।